हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। तो जो कॉन्सेप्ट इन 5 मिनट चल रहा था, तो उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो लेकर मैं आया हूँ वो है इन फाइनल वैल्यू थ्योरम। एक्चुअली होता क्या है कि हम फाइनल वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला रख के चले जाते हैं और उसको कहीं भी लगा देते हैं और हमारा आंसर गलत आता है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको वही फिर से कॉन्सेप्ट में ये बताने वाला हूँ कि वेयर नॉट टू यूज़ फाइनल वैल्यू थ्योरम। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ वेयर नॉट टू यूज़ KVL, वेयर नॉट टू यूज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप इस चैनल पर जाके वीडियो को देख सकते हो जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। सुनो, फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी फंक्शन के वैल्यू टी इक्वल टू इन्फाइनेट पर फाइंड करना है, मतलब बहुत टाइम के बाद फाइंड करना है टी इक्वल टू इन्फाइनेट पर, तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, लिमिट एस टेंड टू जीरो एस इंटू फंक्शन का लाप्लास। जिस फंक्शन का आपको फाइनल वैल्यू निकालनी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लो, इंटू एस कर दो, लिमिट टेक सेट कर दो कहाँ पर, जीरो पर। चलिए सर, बहुत सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ टी इक्वल टू ई टू दी पावर टी यू ऑफ टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आया, वन अपॉन एस प्लस वन। पोल्स कहाँ पर आए बेटा, सर पोल्स आ गए आपके लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में, ये आपका एस प्लेन है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में आपकी पोल आ गई, ठीक है आपकी पोल आ गए। अच्छा, इस फंक्शन को अगर मैं टाइम डोमेन में ड्रॉ करूँ, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है, हाँ सर बिल्कुल सही है। अच्छा, टी इक्वल टू इन्फाइनिट मुझे दिख रहा है ना, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, टी इक्वल टू इन्फाइनिट मुझे दिख रहा है, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। मैंने टी इक्वल टू इन्फाइनिट फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज की, हाँ सर बिल्कुल सही है, वैल्यू जीरो आ रही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पोल्स कहाँ थे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन। दूसरा फंक्शन लेते हैं, दूसरा फंक्शन मैंने क्या लिया, ई टू दी पावर प्लस टी यू ऑफ टी, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेफिनेटली इसकी वैल्यू टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे कितनी होगी, इन्फाइनाइट होनी चाहिए, टी इक्वल टू इन्फाइनाइट पे इन्फाइनाइट होनी चाहिए। अगर मैंने इस फंक्शन में फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाया तो आंसर कितना आएगा, जीरो, जो कि गलत है। ग्राफ से मुझे ऑलरेडी दिख रहा है कि टी इक्वल टू इन्फाइनाइट वैल्यू इन्फाइनाइट होनी चाहिए, जीरो तो कभी आएगी नहीं, तो जीरो नहीं आनी चाहिए, वैल्यू क्या आनी चाहिए, इन्फाइनाइट। बेटा इसकी पोल कहां पर है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया, इसका पोल कहां गया, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में, राइट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन में, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैंने एक फंक्शन ले लिया साइनसोइडल, साइनसोइडल का लाप्लास आ गया, ये पोल्स कहां आ गए, प्योरली इमेजिनरी, पोल्स कहां आ गए बेटा, प्योरली इमेजिनरी ना। मैंने इस फंक्शन में फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाया, बेटा साइनसोइडल फंक्शन की फाइनल वैल्यू निकाल सकते हैं कभी, नहीं सर, इट इज इन द रेंज ऑफ -1 to +1, ये बोला जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू साइनसोइडल फंक्शन की नहीं निकाल सकते क्योंकि वो ऑसिलेटरी होता है। तो अगर इसमें आप अगर फाइनल वैल्यू थ्योरम लगा दे तो आंसर फिर से कितना आएगा, जीरो आएगा, जो कि फिर से गलत हो गया है। तो सर पहले वाले में आंसर सही आया था, बाकी दोनों में आंसर गलत आ रहा है। तो याद रखना बेटा, फाइनल वैल्यू थ्योरम कहां लगती है, सर फाइनल वैल्यू थ्योरम सिर्फ और सिर्फ स्टेबल फंक्शन में ही यूज करते हैं, दैट इज कि जब तक आपके पोल स्ट्रिक्टली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन होंगे, स्ट्रिक्टली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन होंगे तभी आपकी फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर आपका फंक्शन के पोल राइट हैंड साइड आ गए या फिर इमेजिनरी एक्सिस पर आ गए, फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगी, फाइनल वैल्यू थ्योरम नहीं लगेगी। तो ये नोट आपको समझना है, फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज्ड ओनली फॉर स्टेबल फंक्शन, दैट इज व्हेन पोल्स आर स्ट्रिक्टली ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन, ना तो राइट हैंड साइड में होने चाहिए ना तो इमेजिनरी एक्सिस पर होने चाहिए। अब एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए शेयर करना है, जैसे कि आपको पता है AAI का, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड वी आर द फर्स्ट वन जो हम लॉन्च कर रहे हैं एक डेडिकेटेड बैच फॉर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसकी इन्फॉर्मेशन एक शेयर करना है आप लोगों के साथ, ठीक है ना। तो ये आपका कोर्स है, ये आपका कोर्स आपको दिख रहा होगा, 15 जून तक बैच स्टार्ट होने वाला है, 15 जून तक ये ऑफर प्राइस चलेगा जिसकी प्राइस है 3500, उसके बाद कोर्स फीस हो जाएगी 9000। तो ये अब बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के पास, डेडिकेटेड बैच है, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, क्लास PDF मिलेंगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे हम सॉल्व करवाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे जो कि आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी, इस कोर्स में कवर होंगी, सिर्फ और सिर्फ 3500 में। ऑफर वैलिड है 15th ऑफ जून का, इसकी वैलिडिटी 6 मंथ्स की रहेगी, 6 मंथ्स की वैलिडिटी है,
क्योंकि अभी ऐसा कुछ पता नहीं है कि एग्जाम की डेट क्या आएगी, तो हम लोग मान के चल रहे हैं 6 मंथ्स इनफ होगा। तो 6 मंथ में ये पूरा कोर्स होगा, पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टी आपको मिलने वाली, डेडिकेटेड बैच रहेगा आपके लिए, पर्सनलाइज बैच रहेगा, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी उसमें रहेंगे, सारी चीज़ें हमें कवर करेंगे। 15 जून से पहले आपको सब्सक्राइब करना है, नीचे सब्सक्रिप्शन लेना है, नीचे आपको नंबर दिखा है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हो। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। थैंक यू।